हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानी इंडियन किचन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही यमी सी रेसिपी, मैंगो बर्फी। मैंगो तो सभी को पसंद होते हैं, इसलिए मैंगो की बर्फी भी सबको बहुत पसंद आएगी। इस रेसिपी को बनाने का जो प्रोसेस है बहुत इजी है, बहुत ही कम सामान से और फटाफट बनने वाली ये मैंगो बर्फी टेस्ट में भी बहुत सुपर है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं फटाफट इस डिलीशियस रेसिपी को बनाने। सबसे पहले हम मिक्सर जार में आम को डालेंगे। यहाँ पर मैंने दो आम लिए हैं, जिनकी गुठली निकाल के आम को किसी भी छोटे बड़े टुकड़ों में काट के आप ले लीजिए। फिर इसे मिक्सर जार में डाल के इसकी एक फाइन प्यूरी तैयार कर लेंगे। आमों को मैंने आधा कप दूध डाल के ब्लेंड किया है। दूध डालने से आम की जो प्यूरी है वो फटाफट स्मूथ हो जाती है। फिर यहाँ पर मैंने लिया है आधा कप वनीला कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर को भी हम आम के साथ डाल के फिर से इसको एक बार ब्लेंड करेंगे। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा, जो आम और कस्टर्ड पाउडर की प्यूरी तैयार करके रखी है इसमें गुठलियाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये पूरी तरह से फाइन और स्मूथ होना चाहिए। फिर यहाँ पर इसे मैंने कढ़ाई में सारा ट्रांसफ़र कर लिया है। फिर इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए 5 मिनट तक के लिए पकाएंगे। इसे चलाना बिल्कुल ना बंद करें, वरना कस्टर्ड पाउडर की वजह से इसमें बहुत ही जल्दी गुठलियाँ पड़ सकती हैं। 5 मिनट बाद इसमें हम चीनी ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने एक छोटे कप से थोड़ी सी कम चीनी ली है। आम काफ़ी मीठा है इसलिए मैंने थोड़ी सी कम ही चीनी ली है। यदि आम कम मीठा हो तो चीनी की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा लें। चीनी को भी लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक के लिए पकाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंगो प्यूरी में शाइनी कलर आने लगा है। फिर यहाँ पर एक छोटे कप से मैंने घी ले लिया है। मेजरमेंट के हिसाब से ये 5 बड़े चम्मच घी है। घी को पूरा हम एक साथ नहीं डालेंगे, पहले 1 चम्मच डाल के इसको हलवे के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। ऐसा करने से हलवे में जो कलर होता है वो बहुत ज़्यादा शाइनी आता है। 1 मिनट बाद इसमें हम फिर 1 चम्मच घी डालेंगे। फिर घी को पूरे हलवे में अच्छे से मिला देंगे। यहाँ पर आप तेल या रिफाइन का यूज़ बिल्कुल मत करिएगा, वरना जो हलवे का टेस्ट है वो पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। फिर इसमें हम 1 चम्मच घी डाल के इसको अच्छे से मिलाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे जो हलवे का कलर और टेक्सचर है वो धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पर 1 चम्मच घी डालूंगी। फिर इसे हम अच्छे से मिला देंगे पूरे हलवे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं हलवे ने कढ़ाई को छोड़ दिया है। इसका शाइनी कलर देख के आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना ज़्यादा टेस्टी बना होगा। लगभग हलवा बनके हमारा तैयार है। आप इसे हलवा बोलो या बर्फी बोलो, कुछ भी बोल लो। लास्ट स्टेज में फिर हम 1 चम्मच घी डाल के मिला देंगे। फिर यहाँ पर मैंने 6 से 7 इलायचियों को छील के उसका दरदरा सा एक पाउडर बना लिया है, उसको भी हम ऐड कर देंगे। साथ में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे। सारी चीज़ों को हलवे में अच्छे से मिला देंगे। ये लीजिए, तैयार है हमारा आम का टेस्टी डिलीशियस हलवा। यहाँ पर मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है। फिर हलवे को हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। फिर हलवे को पूरी प्लेट में अच्छे से फैला देंगे किसी चम्मच की सहायता से। यहाँ पर मैं घी वाले चम्मच का यूज कर रही हूँ, ताकि हलवा चम्मच में चिपके ना और हलवा अच्छी तरीके से फ्लैट हो जाए। हलवे के ऊपर भी हम थोड़े ड्राई फ्रूट डाल देंगे और चम्मच की हेल्प से इसे थोड़ा थोड़ा करके हम प्रेस कर देंगे, ताकि ये हलवे के साथ अच्छी तरीके से सेट हो जाए। फिर इसे हम लगभग 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये अच्छी तरीके से सेट हो जाए। मेरे पास पेशेंस की कमी है, इसलिए इसे मैं 10 मिनट बाद ही काटने लगी हूँ। पर कोई ना, पूरी ना सही, थोड़ी सी सेट हो गई है। पर आप ऐसी जल्दीबाजी बिल्कुल मत करिएगा, वरना जो इसके पीसेस है वो पूरी तरह से क्लियर और स्क्वायर शेप में नहीं कट पाएंगे। चलो मैं आपको एक पीस पास से दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो कलर है बहुत ज़्यादा शाइनी आया है, और इसका जो टेक्सचर है सेम कलाकंद की तरह आया है। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। यदि आपको आज की मेरी ये मीठी मीठी रेसिपी पसंद आई हो, इसे एक लाइक दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अपने फैमिली और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।